Hello friends, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhima and I am your social science teacher. Today in this video, I will explain the lesson 3rd whose name is Locating Places, and this video is for class 3rd. So students, as the title suggests, locating places means jagah ko nishchit karna ya dekhna ya dhoondna. लोकेट यानी कि किसी भी जगह के बारे में जानना या ढूंढना। तो आप डिफरेंट प्लेसेस पर जाते होंगे, आप रेगुलरली जब भी आप किसी, जैसे आपके एल्डर्स हैं या आपका कोई सिस्टर ब्रदर है, और जब भी उनका कोई एग्जाम ऐसी जगह पर लगता है जिसके बारे में उनको पता नहीं है, या जैसे आपके पेरेंट्स कभी कभार वीकेंड्स पर या आपके वेकेशंस पर ट्रिप का सोचते हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में लोकेट करते हैं जहां पर वो कभी गए ना हो, तो वो उसकी जानकारी गूगल मैप के थ्रू लेते ही हैं। जैसे जो आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं जिनका एग्जामिनेशन पड़ता होगा, तो वहां वो सेंटर की लोकेशन कैसे जानते हैं? गूगल मैप के द्वारा। और जब आप गूगल मैप्स के थ्रू वो लोकेशन जानते हैं, तो आप देखते हैं कि वो किस डायरेक्शन से जाना है आपको, और फिर आप वहां तक पहुंचते हैं। तो आप उस जगह पर पहुंचने के लिए क्या यूज करते हैं? मैप्स का या डायरेक्शंस का, या आपको जो इंडिकेट किया जाता है कि आप इस प्लेस से होते हुए जाएंगे, फिर आपको लेफ्ट साइड मुड़ना है, राइट साइड जाना है, फिर आप उस जगह तक पहुंचते हैं। तो इसे ही लोकेटिंग प्लेसेस कहा जाता है। तो आपके इंटरेस्टिंग प्लेस, जो आपके इंटरेस्टिंग प्लेसेस होंगे, आपके जो आपके रिलेटिव हाउस है, या आपका जो भी आपका रिक्रिएशनल पर्पस है, जैसे टेम्पल्स हो गया, या आपका सिनेमा हॉल्स हो गया, या मॉल्स है, या आपका पार्क है, तो आप वहां पर अगर जाते हैं तो उसके लिए आपको उस प्लेस को लोकेट करना होता है। तो इस चैप्टर में हम वही जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शंस के बारे में जानेंगे। डायरेक्शन इज एन इंडिकेशन लीडिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस और पॉइंट। डायरेक्शन क्या है? वो निश्चित स्थान या निश्चित जगह के एक ऐसी पॉइंट जहां पर आपको, या निर्देश जहां पर आपको पहुंचना है। तो किसी भी जगह या किसी भी एक सीमित स्थान तक पहुंचने का निर्देश ही डायरेक्शन कहलाता है, यानी दिशा डायरेक्शन कहलाता है। तो डायरेक्शंस को हम हिंदी में कहते हैं दिशा। और 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस होते हैं। डायरेक्शंस देयर आर ऑफ डायरेक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। तो 4 टाइप्स के डायरेक्शन होते हैं। जो टॉप में है वो नॉर्थ डायरेक्शन, बॉटम में साउथ डायरेक्शन, राइट हैंड साइड में ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट डायरेक्शन होता है। तो 4 मेजर डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नाउ if we want to locate any place, then we have to see the map. If you are locating Jammu and Kashmir, so first of all I will draw a map, roughly draw map. I have drawn a map of India roughly, and I will show how you can locate places using direction. तो मैं आपको इस चैप्टर में कैसे डायरेक्शंस को देखते हुए आप प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा जम्मू कश्मीर, एज यू ऑल नो दैट जम्मू कश्मीर कहाँ है? पहाड़ों के पास में। आप में से बहुत से लोगों ने कभी वैष्णो देवी का नाम सुना होगा, अमरनाथ का नाम सुना होगा। तो वैष्णो देवी अमरनाथ कहाँ है? पहाड़ों पर। कहाँ? शिवालिक पहाड़ों पर। तो शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ है? हिमालय, यानी कि जो आपका अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, उत्तरी तरफ, और नॉर्थ डायरेक्शन में जम्मू कश्मीर है। तो नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है? टॉप ऑफ द इंडियन मैप। एंड अगर आप बात कर रहे हैं कि केरला के एलिफेंट्स की, आपको एलिफेंट्स देखना है तो आप केरला जाने वाले हैं, तो केरला कहाँ है? साउथ डायरेक्शन, ये आपका केरला, ठीक है। अब आप अगर दुर्गा पूजा की बात करते हैं, दुर्गा पूजा कहाँ सेलिब्रेट होती है? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल आपका इस साइड में है, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ईस्ट। अगर आप बात करें कि गरबा गुजरात का डांडिया, तो ये कहाँ है? वेस्ट डायरेक्शन में, गुजरात, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं। तो देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। टू द टॉप ऑफ द
ऊपर की तरफ, टॉप ऑफ द जो पेज होगा आपका, या जब आप ऊपर की ओर देख रहे होंगे मैप पे, तो टॉप ऑफ द पेज सजेस्ट दैट इट इज द नॉर्थ डायरेक्शन। टॉप जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है यानी कि उत्तर, बॉटम यानी नीचे वाला साइड साउथ यानी दक्षिण, राइट हैंड साइड यानी कि आपका बायां, सॉरी दायां हाथ, सीधा हाथ आपका ईस्ट, और बायां हाथ आपका दिखाता है वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे ही फोर सब डायरेक्शन होते हैं। चार सब डायरेक्शन तब बनते हैं जब दो डायरेक्शन आपस में मिलते हैं। देयर आर फोर सब डायरेक्शन, नॉर्थ व्हेन मीट्स विद ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, east when meets with south then becomes southeast, when south west meets southwest direction form, and when north and west meets northwest direction is form. So they are four sub directions. So ये sub directions हैं चार, और वैसे आठ दिशाएं हो जाती हैं। पहले तो main directions देखते हैं north south east west, और four sub directions northeast northwest southeast southwest, ठीक है। Now how can you locate the directions when it is sunrise? आप सूरज को देख के कैसे डायरेक्शन फेस कर सकते हैं? तो जैसे अगर हम मान लें कि अगर मेरे सामने सूरज है, means when you are facing the sun, जब आप सूरज की तरफ देख रहे होंगे तो वो ईस्ट डायरेक्शन हो गया, और जो आपका बैक साइड होगा वो आपका वेस्ट डायरेक्शन है। जब आप सामने, आपके सामने सूरज है तो वो ईस्ट डायरेक्शन है, आपके बैक में आपका वेस्ट डायरेक्शन होगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ डायरेक्शन होगा, और आपके राइट हैंड साइड पे साउथ डायरेक्शन, ठीक है। व्हेन यू आर फेसिंग टू द सन, जब आपका सामना, आपका जो चेहरा है किसके सामने है, सूर्य के सामने, तो वो ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा, और आपके बैक साइड में यानी आपके पीछे वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा, आपके लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा है, और आपके दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नाउ व्हाट इज अ कंपास? अब हम जानेंगे अ डिवाइस यूज टू लोकेट डायरेक्शन, whose name is कंपास के बारे में। तो हम कंपास के बारे में जानेंगे। कंपास द डायरेक्शन इंडिकेटर। कंपास वो डिवाइस होती है या वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो शिप्स के सेलर्स के द्वारा यूज किया जाता है ताकि लोकेशन या डायरेक्शन को इंडिकेट किया जाए बाय सेलिंग। इसे मैरिनर्स कंपास या सिंपली कंपास भी कहते हैं। कंपास जो होता है वो इस तरह का होता है। कंपास एक ऐसा डिवाइस है गोल सा, और इसमें एन डायरेक्शन बना रहता है नॉर्थ की तरफ। कंपास एक गोल सा डिवाइस होता है और इसमें बीच में मैग्नेटिक नीडल लगी रहती है यानी चुंबकीय सुई जो होती है वो लगी रहती है, और ये चुंबकीय सुई नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, मैग्नेटिक नीडल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमेशा इंडिकेट करती है। तो जब भी जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आएगी तो उसकी तरफ इंडिकेट करेगी। तो कंपास नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, इससे बाकी दिशाओं को लोकेट करना इजीयर हो जाता है। और सेलर्स अपने मैरीटाइम में अपनी अपनी यात्रा में कंपास कैरी करते हैं ताकि वो दिशाओं को लोकेट कर सकें। तो नॉर्थ साइड की तरफ जब मैग्नेटिक नीडल पोजेस करेगी, इंडिकेट करेगी, तो वो डायरेक्शन आपकी क्या होती है, नॉर्थ डायरेक्शन, इसे ही कंपास कहा जाता है। नाउ अदर टर्म्स दैट आर यूज्ड फॉर लोकेटिंग प्लेसेस का मैप। मैप को हिंदी में नक्शा कहा जाता है। इट इज अ 2D ड्राइंग। तो मैप क्या होता है, हिंदी में नक्शा कहते हैं, और ये एक ड्राइंग होती है, 2-dimensional ड्राइंग जो पेपर में बनाई जाती है, जिससे किसी पर्टिकुलर प्लेस, स्टेट या कंट्री की आप डिटेल्स दे सकते हैं। जैसे ये आपका पेपर है,
और आपने इंडिया का मैप ऐसे बना हुआ देखा ही होगा, है ना। इस तरह से मैप नहीं, कभी मैप देखा होगा इंडिया का, तो ऐसा मैप होता है जो पेपर बना रहता है। तो ये एक रफली ड्राइंग होती है जिससे आप इंडिया के बारे में या किसी भी प्लेस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम अगर लोकेट करना होगा तो हम देखेंगे ऊपर साइड में नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे साइड में साउथ, राइट हैंड साइड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट। जब आपके पास मैप हो तो आपको कैसे लोकेट करना है, जब आप मैप को सीधा रखेंगे तो ऊपर साइड नॉर्थ होगी, नीचे साइड साउथ होगी, आपके राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन होगी ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ अदर टर्म्स फॉर लोकेटिंग प्लेसेस, एटलस, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस, वो किताब जिसमें मैप्स होते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस, कंट्री, स्टेट, वर्ल्ड के, तो वो बुक ऑफ मैप्स एटलस कहलाती है। नाउ व्हाट इज अ स्केच, स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ एरिया। स्केच क्या होता है, रफली ड्राइंग जो किसी एरिया के बारे में बताती है। एंड व्हाट आर सिंबल्स, सिंबल्स जब आप कोई मैप बनाते हैं या स्केच बनाते हैं तो उसमें सिंबल्स के द्वारा आप प्लेसेस को लोकेट करते हैं, जैसे पार्क, टेंपल, मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ सिंबल्स जैसे कि अगर आप देखते हैं तो अगर हमें टेंपल बनाना है तो आपने इस तरह से बना दिया सिंबल, टेंपल के लिए इस तरह से बन गया, ठीक है। मॉस्क के लिए इस तरह से बन गया, ठीक। रेलवे की पटरी है तो आपने ऐसे बनाई लाइनें और उसको दिखा दिया, नदी है तो ऐसे ऐसे दिखा दी ब्लू लाइन से, तो इस तरह से ये सिंबल्स लोकेट करते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं प्लान की, तो प्लान जब आप मैप ड्रॉ करते हैं या कोई स्केच ड्रॉ करते हैं तो रफली डायग्राम जिसमें आप किसी प्लेस के बारे में मेंशन करते हैं कि उस प्लेस का ओरिजिन इस तरह से फीचर्स हैं, वहाँ पर ये प्लेसेस हैं, यहाँ वहाँ पर ये बिल्डिंग्स हैं, तो उसको शो करना ही प्लान कहलाता है। जैसे कि आपकी बुक पे दी हुई है डेफिनेशन, अ प्लान इज एन आउटलाइन ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया, मतलब किसी छोटे से पर्टिकुलर प्लेस की जब हम रफ ड्राइंग बनाते हैं, आउटलाइन ड्राइंग बनाते हैं ताकि हम उसका सिंबल्स के द्वारा उसकी प्लेसेस को, उसकी जो उसमें वहाँ पर जो जगह है उनको लोकेट करना ही प्लान कहलाता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि मॉल्स में आपका पिक्चर पिक्चर्स लगे होते हैं, प्लान बना रहता है जिसमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉशरूम है, यहाँ पर फूड कोर्ट है, यहाँ पर मेंस बियर है, यहाँ पर विमेंस बियर है, चिल्ड्रन का है, प्ले एरिया है, तो इस तरह से आप लोकेट कर पाते हैं। ऐसे ही जो प्लान्स होते हैं वो किसी छोटे से एरिया का एक रफली डायग्राम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 3 लोकेटिंग प्लेसेस दैट आई हैव टोल्ड यू एक्सप्लेन यू टुडे। I hope you must have understood about this chapter. If you have any doubt related to any topic, you can ask me in the upcoming Google class. Thanks for watching this video. Have a nice day, friends.